हम कल से ज्ञापन देना शुरू करेंगे। सबसे पहले डीएम साहब को, हमारे जो चुने हुए विधायक हैं उनको, और हम अपनी डिमांड करेंगे जो हमारे बिल्डर्स के साथ, जो हमारे कॉलोनाइजर्स के साथ गलत काम हो रहे हैं, इनकी हमारी डिमांडों को पूरा कर लिया जाए। यदि ये डिमांड पूरी नहीं होंगी 48 घंटे बाद हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ग्लोबल का उन्होंने डेमोलिशन के लिए, ग्लोबल की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई ग्लोबल की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता के साथ पूरे बिल्डर कॉलोनाइजर्स की सबकी लड़ाई है, ये खाली ग्लोबल की लड़ाई नहीं है। विकास नहीं होने देते, ये शहर को सत्यानाश करने के लिए तुले हुए हैं, ये सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं। बेहिसाब, जो कि आदमी नहीं दे सकता। हमसे इन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगा कि 1 करोड़ रुपए आप दीजिए, हम आपका कर देंगे, नहीं करेंगे तो आपको इसे तोड़वा दूंगा। हमसे इन्होंने खुद 1 करोड़ रुपए मांगा है। गाजियाबाद इन्होंने घर पे हमसे मीटिंग की, अपने घर पे इन्होंने, हाँ जी, अपने घर पे इन्होंने हमसे मीटिंग करी और हमसे पैसा मांगा। हम आपको दे देंगे वो सुविधा शुल्क, ये आपका नुकसान ना करने के लिए, जो आपने नक्शा पास कराया है इसको निरस्त नहीं करूंगा मैं, नहीं तो निरस्त कर दूंगा, तोड़ने का ऑर्डर दूंगा। मेरा ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट का, किस नाम का है? ग्लोबल इंफ्रा टाउन प्राइवेट लिमिटेड का, ग्लोबल रेजिडेंसी के नाम से है ये, ए एस एम इंडिया इंफ्राइट का नक्शा लगाया मैंने, ग्लोबल रेजिडेंसी के नाम से। आपके घर पे क्या मीटिंग हुई है? उनके घर पे मीटिंग हुई है, लेने देने की मीटिंग, हमने उनको नहीं दिए तो हमारे तोड़ने का ऑर्डर दिया और दे दिया उन्होंने, और अभी धमकी दी है कि मैं से तोड़ के दिखाऊंगा। और ये मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ है। अभी एक यहाँ पर तीन साल पहले इनका वो फ्लोर मिल एक चालू हुई है, नक्शा पास है उसका, अब उसको भी तोड़ने का ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं, जो 3 साल से चल रही है, नक्शा अप्रूव्ड है। ये आपके प्रदीप सिंगल जी की जी डी रोड बनी हुई है, नक्शा पास है, इन्होंने उसका भी ऑर्डर दे दिया, उसकी कॉपी मेरे पे है कि तोड़ने का ऑर्डर इन्होंने आदेश दिया है कि 15 दिन में या तो उसको हटा ले नहीं तो हम तोड़ देंगे। ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे हर आदमी के साथ इन्होंने नाजायज किया हुआ है। कॉलोनी किसी को नहीं करने दे रहे। आपको लोहा खरीदने के लिए क्या कहते हो, क्या मामला है? नहीं, लोहा खरीदने का कोई मामला नहीं, वो तो बात नहीं है। हम आपको उसके कागज इकट्ठे कर रहे हैं, कागज इकट्ठे करके आपको देते हैं। हमारी जो नॉलेज में है वो ये है कि पशुपति सरिया मिल इन्हीं की है, जिसमें कि हम लोगों पे नाजायज दबाव डालते हैं कि सरिया आप जितना भी खरीदना है इसी से खरीदें, और नहीं खरीदोगे तो हमको हरासमेंट और मार्केट रेट से ऊपर रेट में, ठीक है ना। उसके मैं कागज आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराऊंगा, बहुत जल्दी उपलब्ध कराऊंगा आपको मैं कागज उसके। हमारी यही डिमांड है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे नक्शे इन्होंने नोटिस भेजे हैं, जो इन्होंने निरस्त किए हैं, वो सब वापस होने चाहिए। कवि नगर में कोठी की जो अनुमानित कीमत है 25 से 30 करोड़ रुपए है। मेरे जो सूत्रों के हिसाब से, मैंने जो अपनी जांच करी है, मेरे हिसाब से इनके पास कम से कम 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ग्लोबल के नाम से हमारे यहाँ कोई मानचित्र नहीं प्रस्तुत हुआ, एक मानचित्र ASM इंफ्रा हाईटेक के नाम से जमा हुआ था मेरे पूर्वाधिकारी के समय में। उस मानचित्र के संबंध में उनको 23 जनवरी 2013 को नोटिस दिया गया, जिसका उनका जवाब आया। उस जवाब पर समुचित विचार करने के बाद 27/2/2013 में उनका मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि जो प्राधिकरण की देयताएं थी, जो कि उनसे विभिन्न मदों में शुल्कों की मांग की गई थी, वो उन्होंने पूरी नहीं की थी, इसलिए उनका मानचित्र अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर जो उन्होंने निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के ही कर लिया था, उसके बारे में भी ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उनसे 6 मार्च 2013 को ही अपेक्षा की गई है कि वो 20 दिन में अपने अनधिकृत निर्माण को हटा दें। उसमें जो उन्होंने जो जमा करा था 23 में, वो कहते हैं कि 23 तारीख को हमने अपना जमा कर दिया, तो उस बारे में क्या मामला था? 23 अप्रैल 2012 में कोई धनराशि प्राधिकरण में जमा नहीं की गई। जो भी धनराशि उन्होंने 20 लाख रुपए की जमा की है, वो 7 मई 2012 में हमारे सिंडिकेट बैंक की शाखा, जो हमारे ही परिसर में है, जहां प्राधिकरण का कार्यालय है वहां है, उसमें 7 मई को वो उन्होंने पैसा दिया है, जो कि 25/4/2012 के बाद की तिथि है, और 25/4/2012 के बाद से जो डेवलपमेंट चार्ज हैं वो 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, उसी दर से उनकी देयता बनती है। और अकेले उनसे ही नहीं, सभी ऐसे मानचित्रों में जो कि 25/4/2012 के बाद जिन्होंने धनराशि जमा की है, उनसे प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ही बाह्य विकास शुल्क की मांग की गई है, और सबने जमा भी किया। जो सर्किल रेट है वो 12,000 रुपये पे सारा लगा दिया गया है, वो क्या
सर्किल रेट का निर्धारण मेरे द्वारा नहीं किया जाता, वो कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट है। कलेक्टर के यहाँ से जानकारी प्राप्त की गई कि इस भूखंड का जो 44-45 हज़ार मीटर का भूखंड है, इसका सर्किल रेट कितना है, क्योंकि वो क्वारसी बाईपास पर स्थित भूखंड है जो कि 40 फीट चौड़े मार्ग से जुड़ा हुआ है। 25 फीट से अधिक चौड़े जितने भी भूखंड, चौड़े मार्ग पर जितने भी भूखंड हैं, उनके सबके सर्किल रेट 12,000 रुपये मीटर है। वही कलेक्टर ने हमें सूचित किया है, उसी के आधार पर हमने गणना करके उनसे जो FAR परचेज बिल के लिए सिटी डेवलपमेंट चार्ज है उसकी मांग की गई। जिस तरह की ग्लोबल इंफ्रा पर कितना अमाउंट जो है बकाया जो उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया? नहीं, अब तो उन पर कोई बकाया नहीं है क्योंकि उनका मानचित्र ही अस्वीकृत कर दिया गया है, तो अब उन पर हमारा कोई बकाया नहीं है। बकाया उस वक्त जब ये मामला विचाराधीन था 27 फरवरी 2013 से पहले, उस वक्त उन पर लगभग 9 करोड़ रुपए की डिमांड थी, जो उन्होंने कोई एक नया पैसा भी उसमें से जमा नहीं किया। इतने लोगों को फ्लैट बुक कर लिए, उनका क्या होगा? वो तो बिना स्वीकृति मानचित्र के उन्होंने लोगों के फ्लैट बुक किए हैं, वो अनाधिकृत चेष्टा है। किसी भी बिल्डर को मानचित्र स्वीकृति से पहले कोई फ्लैट बुक करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उनके द्वारा अपने प्रोस्पेक्टस पर लिखा गया है कि उन्होंने नक्शा पास मानचित्र एरिया से पास करा लिया, गलत लिखा है। तो इस तरह कोई भी अगर आदमी, आम आदमी आता है और आपसे कहता है कि उनके उनके विरुद्ध जिन लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है, उनको उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए, कानून अपना कार्य करेगा। और आंदोलन करेंगे, ऐसे पैसे की डिमांड की जाए जिसमें 1 करोड़ रुपए समथिंग मांगे गए, तो एक IAS अफसर पर और वो भी आप जिस विभाग के चेयरमैन है उनके ऊपर आरोप लगाए गए, तो क्या कहेंगे? अभी जो कुछ भी तथ्य कहे हैं ये आपने हमें मौखिक कहे, और जो भी आपने से कोई बिल्डर नहीं है, जो भी प्रभावित पक्ष है वो जब भी अपना कोई वर्जन रखेगा, कोई कंप्लेंट करेगा, उसकी तथ्यों की जानकारी कराएगी, जो भी उचित एक्शन है वो लिया जाएगा। डेफिनेटली उनके पिछले 3 साल से 5 साल से नक्शे पास नहीं हो रहे, अब वो कॉलोनिया कैसे डेवलप, जबकि पिछले 20 से हमारे 4-5 BC लगातार बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इसको रेगुलराइज करा रहे हैं, हम इसको पास करेंगे, सर्वे करा रहे हैं। मास्टर प्लान जहां आबादी ऑलरेडी बसी हुई है वहां पर उन्होंने उसको जोन को खेती में दिखा रखा है, तो हमने ये कहा था कि मास्टर प्लान को बर्बाद करिए, उन्होंने कहा था हम जोनल प्लान ला रहे हैं। ये सन 2005 की बात है, उस समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी भी अधिकारी ने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए ये जरूरत पड़ी है कि भाई हमारे साथ एक संघर्ष समिति हो जो उनसे एडीए का मास्टर प्लान डाले को रिवाइज एडीए को करना है, रिवाइज एडीए को करना है, जो जो लैंड है सड़क पे है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनका कमर्शियल मानता है,
और इनके मास्टर प्लान में वो एग्रीकल्चर लैंड है, और जो ओजन सिटी बन रही है अंदर या सागवान बन रहा है शहर से 4 किलोमीटर अंदर, वो एग्रीकल्चर वो रेजिडेंशियल लैंड है, 8 जोन है। तो ये मास्टर प्लान की गलती इनकी है, बताओ सड़क पे एग्रीकल्चर होगी या अंदर होगी। अब इसे लैंड यूज को चेंज बिल्डर तो नहीं करा सकता, ये अथॉरिटी का काम है। एक मेजर समस्या लगता है भाई साहब, राजीव भाई साहब मैं आपकी बात कौन बिल्डर कौन कौन है? आप तो बताइए भाई साहब, ये ग्लोबल इंफ्रा टाउन कावेरी ग्रुप हमारा। अब मुझे बताइए ओजोन से कौन है यहाँ पर? ओजोन से आज उनके नए प्रोजेक्ट का फंक्शन है। सांगवान से कौन है? सांगवान से भी अभी तो हाइट से कौन है? ग्लोबल से आप हैं, कावेरी से कौन है? क्या शुभ नाम है? राजीव शाह, डीडीसी बिल्डर्स हैं, बहुत बड़ा काम है। मतलब टॉप 5 जो हैं उसमें से 2 लोग नहीं है, वो इतना मानते हैं कि वो कहते हैं अपने घर की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो, हम लोग नहीं दे सकते, तभी तो लड़ाई। देखिए साहब, आप में से अभी एक जनों ने किसी ने कहा कि हमारे साथ में 10 शर्तें लिखता है, जिस टाइम नक्शा पास होने के लिए हमारा जाता है उनके पास, वो 10 शर्तें लिखता है जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्ज, ये अपना जो सिटी डेवलपमेंट चार्ज होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये पेपर में लिखकर हमें देता है, हम उसको देखो उसको भुगतान करते हैं सिटी डेवलपमेंट चार्ज। जबकि एडीए को कोई लीगल राइट नहीं है वो हमसे ले, एडीए वहीं पे ले सकता है जहां पे एडीए विकास कर रहा है। अगर बिल्डर कहीं इंडिविजुअल अपने उसको विकास कर रहा है तो एडीए को कोई ऑथराइज नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वो हमसे एडीए ये इस चीज का चार्ज ले, वो असंवैधानिक है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। ऐसे चार्ज लिए हैं लिए हैं ठीक है, जिस कॉलोनी में आज वो अनअप्रूव बता रहे हैं और जिस कॉलोनी में आज नक्शा पास नहीं कर रहे हैं उसमें उन्होंने चार्ज लिया है। जी मैं उन्होंने इनके गलत कामों के लिए मैं 2-3 आपको पॉइंट बता देता हूँ। लोग हैं इन सब लोगों की समस्याओं को जो एकजुट होकर हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको रोकने में वीसी साहब हमारा वो कर रहे हैं, चाहे वो लेन देन के मामले को लेकर हो चाहे किसी और के मामले को लेकर हो, हमसे अनाजायज हर सीट पर हर चेयर पर डिमांड की जाती है जो कि पूरी तरह गलत है। अगर हम गलत है तो सुविधा शुल्क लेने के बाद में क्यों सही की जा रही है, इसलिए की जाती है। आज हम अगर सुविधा शुल्क नहीं दे रहे हैं तो हमारे को बेवजह बिना कारणों के नोटिस देकर हमारे जो नक्शे पहले पास किए हुए हैं किस आधार पर वो नक्शे निरस्त किए जा रहे हैं। अगर जहाँ पे लेआउट के लिए ये बोलते हैं वीसी साहब के अवैध है कॉलोनिया, वहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं वो कर रहे हैं, 9 महीने से वीसी साहब यहाँ पर हैं, मैं पूछना चाहूंगा वीसी साहब से कि उन्होंने कितने नक्शे पास किए जबकि कॉलोनियों के नक्शे लगे हुए हैं वहाँ पे, वो किस आधार पे आदमी काम तो करेगा ही, आदमी को काम तो करना ही है, मोटा इन्वेस्टमेंट है, मोटे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, लोगों का ब्याज का मीटर चल रहा है, आदमी कहाँ से काम करेगा। उनसे आप पैसे मांगते हो, 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है, जिन लोगों से पैसे लिए उन लोगों के नक्शे पास कर दिए, हम लोगों से अगर कोई आदमी पैसे नहीं दे रहा है तो उसके यहाँ बिल्डोजर पहुंचा दिया, नोटिस भेज दिया, ऐसे कैसे होगा भाई साहब? आपने कहीं शिकायत की इससे आगे अथॉरिटी को? जी बिल्कुल, हमने कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की, उसकी कॉपी हम आपको इसलिए सूट नहीं करती क्योंकि नीचे से फाइल होके भी वीसी ने भी पास कर दी, दूसरा वीसी आया वो कैंसिल कर उनको पहली किस्त बनी थी 19,54,000 रुपए की, मैंने उनको 20 लाख का चेक दे दिया जिसकी एडीए ने मेरे को रसीद दे दी 23/12 को, वो चेक इन्होंने किसी कारणवश नहीं डाला बैंक में और वो चेक इनका पास हुआ 7 तारीख को, बाउंस नहीं हुआ, इन्होंने लेट डाला
और हमारे पास रसीद 24 2012 हमसे रिसीव हुआ अप्रैल में, हमने 23 अप्रैल को रिसीव हुआ हमसे, उसकी रसीद की कॉपी है, रसीद की कॉपी यहाँ रखी हुई है, ठीक है, चेक पास हो गया। 25/4/2012 को बोर्ड मीटिंग में इन्होंने जो डेवलपमेंट फीस थी 200 का 400 कर दिया, ठीक है जी, 25/4/2012 को, दो दिन बाद ही 2012 तो हमको नोटिस भेजा है कि आप पे नई रेट लागू होगी, इससे 200 का 400 कर दिया, 200 का 400 कर दिया, तरीके से अनलीगल, नहीं आपने जब जमा करा 25 को मीटिंग हुई 200 रुपए था, 200 रुपए था, मेरा उसकी फीस भरी, मेरा काम करा, ठीक है जी। उसके बाद नक्शा पास करा रहा हूँ वही का रजिस्ट्री दे रहा हूँ उनको, वही का वो नक्शा पास कर रहे हैं, तो मैंने इनको रजिस्ट्री जो दी वो क्वासी गांव की दी, क्वासी में मेरा नक्शा पास कर रहे हैं, कलेक्टर उसमें एडीएम है सिटी डेवलपमेंट चार्ज का रेट कि जो सिटी डेवलपमेंट का चार्ज हमसे लगेगा वो डीएम के सर्कल रेट लगेगा, डीएम का जो रिजर्व सर्कल रेट होगा वो क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैंने रास्ता खरीदा मेन रोड पे जो पहले पास हुआ है, तो उसमें मेन रोड का रास्ते का उन्होंने सर्कल रेट लगा लिया, और अंदर का जो रेट था वो अंदर का रेट लगा लिया, कितने का मेन रोड का रेट था 12,000 रुपए, अंदर का रेट था 3,000 रुपए, उस हिसाब से लगा के पास किया नक्शा। अब इन वीसी साहब ने हमने सुविधा शुल्क नहीं दी तो उसने ये बोल दिया कि आपका पूरा 12,000 लगा रहा हूँ मैं अंदर का भी, अंदर का फाइनेंस द्वारा उसकी सर्टिफाइड कॉपी है तो रजिस्टर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एडीएम फाइनेंस द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि हम कैसे लोग परेशान हो रहे हैं रेट की, कि जिन शर्तों पे हमारा पास हुआ है नक्शा उन शर्तों से बाहर ना हम जा सकते ना ये जा सकते। अब हमसे कह रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे आप 5 लाख की एफिडेविट दीजिए, जो कि हमारी शर्त में नहीं है, हमसे उन्होंने उस टाइम एफिडेविट मांगा था, एफिडेविट हमने दे चुके हैं, प्रिंट आउट होता है उस पर हमें साइन करने होते हैं, साइट है पहले से बना, सुन रहा 23/4 में आपने किया, आपने उनको चेक दे दिया, और रसीद उनकी सुन लीजिए, उसके बाद बीसी ने आपकी किस्त जो है वो कर दी थी, चैनल दिखाना उसमें आपने नहीं जमा किया, 9 महीने तक ये पूरी प्रक्रिया लंबी पड़ी है, ठीक है, आपने कुछ जमा नहीं किया उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दोबारा नोटिस दिया गया, मेरे को नोटिस अब क्या, हम लोगों से कहते हैं कि मैं सीएम जी का रिश्तेदार हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या तो मेरी डिमांडों को पूरी करो नहीं मैं तुम लोगों को यहाँ पे अलीगढ़ में काम नहीं करने दूंगा, भिखारी बना दूंगा। बातचीत करी तो तुरंत जो है इधर घुमा दिए, इधर इधर और किसने दिया।
तो ऑफिस से तो निकले घर के लिए क्या बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑफिस में है जब अधिकारी करोड़ों रुपए लेंगे तो क्या होगा। आइए ऑफिस चलिए, यही बता दीजिए सर एक मिनट यही कर ले जाता था चौदह अभी उसकी साइड पे भी जाना है ना एक बार थोड़ा तो आप चले जाना। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी मान लो कि ये बाईपास और 25 फीट चौड़े मार्ग पर स्थित नहीं है, तब भी तो वहां का रेट 10,000 है। अब जो 3,000 तो रेट है गांव क्वारसी में, जो गांव में आबादी में घर है, तो गांव क्वारसी का रेट में यहां कैसे लगा दूंगा, यहां का रेट अलग से नहीं निर्धारित। ये जगह इंजीनियर कॉलोनी से बिल्डर हैं जो मतलब जिनको आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने नक्शे पास कराए बगैर वो फ्लैट बुक कर लिए हैं ग्लोबल वालों के अलावा? नहीं मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। कोई जानकारी में इस तरीके की चीज आएगी तो उस पर तत्समय कार्रवाई की जाएगी। ये आपने बताया है कि इन्होंने बिना मानसिक स्वीकृति के लोगों के फ्लैट बुक कर लिए हैं, हम तो सामान्य जनता को भी यही आगाह करना चाहेंगे कि वो ये बात देख लें मानचित्र स्वीकृत है या नहीं है, स्वीकृत मानचित्र की प्रति बिल्डर को अपने पास रखनी चाहिए। हमने तो इस तरीके के आदेश भी किए हैं कि हर किसी बिल्डर को जहां भी निर्माण हो रहा है वहां पर स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति स्थल पर रखी जाए। अच्छा जिस तरह से आम आदमी को ठगा जाता है कि ये सब नक्शा पास दिखा करके फ्लैट बुक कर लिए जाते हैं, तो आप एडीए क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा जो भी अब भी जो लोग बात यहां पर कर रहे हैं? नहीं आप ऐसे प्रकरण हमारी जानकारी में लाइए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो ये जनता को कैसे पता लगे कि कौन कौन सी कॉलोनियां स्वीकृत है, आप उनकी एक लिस्ट जारी कर दीजिए, अखबारों में जारी करवा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे। जिस तरीके बहुत ज्यादा कॉलोनियां यहां स्वीकृत नहीं है, इक्का दुक्का एक ओजोन के नाम से कॉलोनी स्वीकृत है, एक सांगवान के नाम से कॉलोनी स्वीकृत है, और कोई बड़ी कॉलोनी स्वीकृत नहीं है, छोटे छोटे कुछ लेआउट्स होंगे जो स्वीकृत हैं। वैसे आम जनता के लिए हमने काउंटर खोला हुआ है, कोई भी व्यक्ति आकर जानकारी करना चाहता है तो हम उसको जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि किस जगह का कौन सा मानचित्र स्वीकृत है। उसकी जानकारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पास अपने लैंड बैंक ना होने की वजह से हम लोग यहाँ बहुत अधिक कॉलोनी डेवलप नहीं कर पाए। अभी संयोग से हमें 200 एकड़ जमीन CDF की मिलने जा रही है जिसके बारे में शासन स्तर से सहमति हो गई है। अभी हाल ही में हमने डिमांड सर्वे भी इसके लिए किया था, लोगों को घरों की बहुत ज़रूरत है, प्लॉट्स की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है, लगभग 16 करोड़ रुपये इस मद में हमें जनता से डिमांड सर्वे के तहत ही प्राप्त हुए हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही हम अपनी एक विकसित कॉलोनी अलीगढ़ शहर को दे पाएंगे।